My friends, today I am going to talk to you about the effects of watching pornography. How pornography is affecting your life. पहली बात होती है कि जब भी तुम porn videos देख रहे हो ना मेरे दोस्त, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये feeling है, कहीं ना कहीं ये एक feeling है कि तुम मैं ऐसे sex करना चाहता हूँ अपनी partner के साथ, मैं ऐसे sex करूँगा, right? जो जो sex position use होते हैं porn videos में, उनका सबसे बड़ा impact पड़ता है आपके brain के ऊपर, आपके mind के ऊपर, कि मैं ऐसे सेक्स करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ. एंड लिटरली दिस इज़ किलिंग योर सेक्स लाइफ, दिस इज़ रूनिंग योर सेक्स लाइफ. जो आपके जेनिटल्स है, आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली भी. अब सेकंड बात आती है, जब भी आप पॉर्न देख रहे हो तो उसमें देख रहे हो आप विमेंस को, औरतों को, और उनके टूवर्ड्स आपका जो व्यूज़ है ना वो बदल रहा है मेरे दोस्त. कैसे आप देख रहे हो तो आपको देख रहा है विमेंस आर लेस देन ह्यूमन, इलीगल सेक्स इज फन, प्रोस्टिट्यूशन इज ग्लैमरस. तो आपको ये दिखाया जाता है कि भाई पॉर्न वीडियोस मतलब यही जिंदगी है, और विमेन कुछ भी नहीं है. विमेन दे लव टू बी रेप्ड, और उन्हें डिग्रेडेड होना अच्छा लगता है. तुम सेक्सुअल अब्यूज सीख रहे हो इससे. और चाइल्ड पर्नोग्राफी का भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जितने भी चाइल्ड पॉर्न वीडियोस हैं उसे चाइल्ड पर्नोग्राफी, और इसी वजह से आज बच्चों के साथ भी रेप हो रहे हैं, और जितने भी रेपिस्ट हैं मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट आर पॉर्न एडिक्ट. तो ये समझ सकते हो आप कि आपका जो परसेप्शन है वो पॉर्न कितना चेंज कर रहा है, आपको हैवान बना रहा है, आपकी जो इंसानियत है वो निकाल के आपको, आपके अंदर हैवानियत भर रहा है, आपको राक्षस बना रहा है, आपको हप्सी बना रहा है, अगर एक बोला जाए वर्ड हप्सी बना रहा है आपको पॉर्न, समझे. थर्ड बात यह है कि आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है ह्यूमन बींग्स के टूवर्ड्स. आपको लगता है कि नहीं, लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग सेक्स, लाइफ इज नॉट अबाउट यू नो मेकिंग अ डिफरेंस, लाइफ इज नॉट अबाउट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लाइफ इज नॉट अबाउट मेकिंग दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव. आपको ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है बस लाइफ भाई सेक्स करने के लिए ही मिली है, जिंदगी बस सेक्स करने के लिए ही है, जिंदगी बस इन्हीं चीज़ों के लिए ही है. तो ये परसेप्शन तुम्हारा चेंज हो रहा है ह्यूमन बींग्स के टूवर्ड्स, कि तुम किसी को भी देख रहे हो तो ह्यूमन बींग छोड़ के बस मेल फीमेल, और वो तुम्हारा जो मतलब ह्यूमन बींग्स तुम्हारे लिए सेक्स ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, राइट. कि भाई ये भी सेक्स ऑब्जेक्ट है, ये भी सेक्स ऑब्जेक्ट, तुम्हें ये बस चीज़ें दिख रही है, तुम्हें कोई इंसान नहीं दिख रहा है, तुम्हारे अंदर वो हैवान, वो राक्षसीपन, वो राक्षस तामसिक प्रवृत्ति आ रही है पॉर्न देख देख के. तुम डीप इनसाइड से तुम गिल्ट भी फील करते हो, तुम बैड भी फील करते हो, राइट. अब फोर्थ वीडियो, जब भी तुम पॉर्न देखते हो उसमें ज़्यादा वाइट गर्ल्स होती हैं, राइट. वाइट गर्ल्स के टूवर्ड्स भी हमारा परसेप्शन बहुत बदल चुका है. भाई हमें लगता है कि बस वाइट गर्ल्स दे लव टू हैव सेक्स, बस उन्हें बस सेक्स करना पसंद है और कुछ भी नहीं. इसलिए आजकल देखा होगा आपने, कई बार सुना होगा कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं, इंडियन बॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं, बस फेसबुक पे कोई भी वाइट लड़की पकड़ ली और हाय सेंड मी अ पिक ऑफ योर बूब्स, सेंड मी पिक ऑफ योर वेजाइना, योर पुसी, ऐसे से करके मैसेज. यार आप न्यूज़ में देखो, न्यूज पेपर से, मतलब अजीब ही हरकत कर रहे हैं लोग. क्यों मतलब पगला रहे हैं वो, कौन वीडियो सही तो आया है, और नाम किसका खराब हो रहा है मेरे दोस्त, नाम खराब हो रहा है हमारे देश का, हमारा, कि द पीपल ऑफ इंडिया they don't have any moral values, they are cheap, ठीक है. तो इसको कम करो यार. अब पांचवा है, जब डोपामिन का लेवल कम हो जा रहा है तुम्हारे ब्रेन में पॉर्न देखते हैं, जब डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है बार बार, तो डोपामिन का रिलीज, जब डोपामिन तुम्हारे ब्रेन में कम हो जा रहा है ना मेरे दोस्त, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो पा रहा है. कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो भाई तुम कोई भी चीज़ आसानी से नहीं कर सकते, ध्यान से नहीं कर सकते, चाहे तो वो पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, कुछ भी है. तुम्हारा मोटिवेशन कम है तो तुम काम नहीं कर पाओगे, फोकस्ड नहीं रह पाओगे, ठीक है. और सोशल एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है. अब तुम भाई सोशल लोगों से बात नहीं कर पाओगे, अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर पाओगे, एक सोसाइटी में नहीं रह पाओगे, इंडिविजुअली तुम्हें रहना पड़ेगा. और क्या बात है कि तुम्हारा भाई बहुत सारी चीज़ चेंज हो रही है यार, एंग्जाइटी हो रही है, तुम कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा लो है, राइट. और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो तुम्हारा भाई प्री मेच्योर इजुकुलेशन भी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कि तुम कभी सेक्स नहीं कर सकते, कभी सेक्सुअली किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. और इसके बाद एक तुम्हारा नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है, खुद के टूवर्ड्स तुमने अपनी जो इमेज है ना मेरे दोस्त वो गिरा लिया, खुद को तुमने कम आंक लिया है कि नहीं मैं कम हूँ. तुम जब पॉर्न वीडियो देखते हो, जैसे कि तुम देख रहे हो मेल पॉर्न स्टार को, अगर कोई लड़का है तो मेल पॉर्न स्टार से कंपेयर करेगा भाई कि उसके पास तो घोड़े का है और मेरे पास भाई 5 to 7 inch, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी विमेन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, आई एम नॉट वर्थ इनफ.
मैं कम हूँ, अपने आप को तुम कम आकने लग रहे हो, तो खुद के टूवर्ड्स तुम्हारा नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन बन चुका है। अगर तुम एक लड़की हो तो तुम किसी फीमेल पॉर्न स्टार को देख रही हो, उसके अट्रैक्टिवनेस पे तुम्हारा डिपेंडेंसी, और एक भाई सी इज डैम अट्रैक्टिव एंड आई एम नॉट एज हॉट एज हर, और ये वो करके तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है ना मेरे दोस्त, कि मैं भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो गिरा हुआ आदमी हूँ, ये वो, और तुम खुद को डाउनग्रेड कर रहे हो कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता यार, मैं तो आई कॉन्ट सेटिस्फाई अ मैन, आई कॉन्ट सेटिस्फाई एनी वेमेन, तो ये वाली फीलिंग आ रही है तुम्हारे अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है पॉर्न वीडियोस देख देख के जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी रेपिस्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट आर पॉर्न एडिक्ट, आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिक ये चीज़ है। बहुत सारे जो, अरे जिनके साथ रेप हुआ है वो बता रही हैं यार कि जो बंदा मुझे रेप कर रहा था ही वॉज पॉर्न एडिक्ट। तो पॉर्न एडिक्शन के इतना मतलब सेटिस्फाई ही नहीं होते हैं पॉर्न एडिक्ट अपनी लाइफ से। अगर तुम आज पॉर्न एडिक्टेड हो ना मेरे दोस्त, तुम कल को सेक्स एडिक्ट होने वाले हो, परसों को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, तुम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो तुम क्या करोगे, तुम बताओ, कुछ नहीं कर सकते। जो बंदा जो कुछ भी अपनी लाइफ में करता है वो किस बेसिस पे करता है भाई, कॉन्फिडेंस है, कॉन्सेंट्रेशन है, मोटिवेशन है, भाई बंदा कुछ भी कर सकता है, राइट। अगर यही नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम क्या करोगे, तुम बस इधर उधर देखोगे, अपना बस पॉर्न देखते रह जाओगे और मास्टरबेट करते रह जाओगे, इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, समझे। तो पॉर्न वीडियोस देखते हो इसको क्विट करो, क्योंकि ये अगर एक तरीके से सिंपली वे में बोलूँ तो पॉर्न जो है तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, रून कर रहा है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस माई फ्रेंड। एंड वॉट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू क्विट पर्नोग्राफी और कुछ अच्छा करो लाइफ में, धीरे धीरे तुम्हारी रिकवरी होगी, समझे, समझो, होशियार हो तुम, आई बिलीव इन यू माई फ्रेंड, आई ट्रस्ट यू, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।